हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल। ये जो एमसीक्यू की वीडियो आपकी आ रही है, इसमें आपके दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंबाइंड किए गए हैं, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन, जो कि कंबाइंड आपका वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है। तो इसमें दोनों ही सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेंगे, बट हाइड्रोलॉजी इस चैनल पे अभी कवर नहीं कराई गई है। तो आप चाहें तो उन क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन है तो आप उन क्वेश्चंस को भी हैंडल कर लीजिए। अदरवाइज़ हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चंस को स्किप करके आप इरिगेशन के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा आने वाला है। जिस हिसाब से आपने बोर्डिंग की है या आपने कमेंट्स में बताया है कौन सा सब्जेक्ट्स जो है वो आपको पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो अब आपके पैरेलल में चलेंगे, सोम एंड सर्वे। ठीक है, तो उनके जो शेड्यूल है वो आपको कम्युनिटी टैब पे बता दिया जाएगा कि कौन कौन से डे पे कौन सा सब्जेक्ट आपका आएगा सोम और सर्वे में से। और इस पेज पर आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिख रहा होगा। बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड है कि पीडीएफ प्रोवाइड करिए, बट लेक्चर के पीडीएफ जो हैं वो आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। बट जो भी ऑब्जेक्टिव्स की वीडियो आपके पास आ रही हैं उनके जो भी पीपीटी या पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के लिंक पर भेज दिया जाएगा। उससे आप देख सकते हैं, या तो आप पहले क्वेश्चंस जो भी हैं उनको आप खुद से सॉल्व कर लीजिए। अगर कहीं डाउट है तो आप वीडियो को देख के उसमें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज इन बिटवीन 250 to 750 माइक्रोमोल्स पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इट इज क्लासिफाइड एज। तो ये आपने एक टेबल पढ़ी थी इरिगेशन में कि अगर आपकी 100 से 250 के बीच में इसकी रेंज है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो ये आपका कहलाता है आपका लो सैलिनिटी वाटर। ठीक है, वही अगर आपका 250 से 750 के बीच में होता है तो ये आपका मीडियम सैलिनिटी वाटर कहलाता है। वही अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 750 से 2250 के बीच में है तो इसको आप हाई सैलिनिटी वाटर कहते हो। अगर ग्रेटर देन 2250 है तो इसको आप कहते हैं वेरी हाई सैलिनिटी वाटर। तो आप ध्यान रखिएगा, अब इसमें पूछने 250 से 750 की रेंज, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो इज डिफाइंड एज। तो जो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का फॉर्मूला होता है दैट विल बी इक्वल टू एन ए प्लस डिवाइडेड बाई रूट ऑफ सी ए प्लस टू प्लस एम जी प्लस टू डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका जो रूट है ये ओवरऑल कंप्लीट पूरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो फॉर हाई सोडियम वाटर लाइज बिटवीन। तो अगर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, जो कि आपको पता है एन ए प्लस डिवाइडेड बाई सी ए टू प्लस प्लस एम जी टू प्लस डिवाइडेड बाई टू, तो ये आपका सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो कहलाता है। अगर इसकी लिमिट्स की आप बात करें तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो अगर 0 से 10 है, इसका मतलब है कि आपका ये लो सोडियम वाटर कहलाएगा। ठीक है, वही अगर आपका 10 टू 18 है तो ये आपका कहलाता है मीडियम सोडियम वाटर। वही अगर 18 टू 26 है तो इसको आप कहते हैं हाई सोडियम वाटर, और ग्रेटर देन 26 होता है तो ये आपका कहलाता है वेरी हाई सोडियम वाटर। तो ऑप्शन पूछ रहे हैं कि फॉर हाई सोडियम वाटर के लिए लिमिट क्या है, तो हाई सोडियम वाटर 18 टू 26 है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर राइस। तो राइस के लिए जो कोर वाटरिंग होती है, कोर वाटरिंग का मतलब है कि जो फर्स्ट मैक्सिमम वाटरिंग होती है जो आप प्रोवाइड करते हैं वो आपकी कोर वाटरिंग कहलाती है। तो आपकी राइस के लिए जो है 190 mm यानी कि 19 सेंटीमीटर जो है वो आपकी कोर वाटरिंग की ऑप्टिमम डेप्थ होती है। इरिगेशन वाटर हैव द कंसेंट्रेशन ऑफ एन ए प्लस, यहाँ पे एन ए प्लस है, सी ए प्लस टू प्लस एम जी एंड एम जी प्लस टू 23 and 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रिस्पेक्टिवली विल बी क्लासिफाइड एट। तो सबसे पहले आप सार रेशियो निकालेंगे तभी आप बता सकते हैं कि कौन सा किस टाइप का वाटर है ये। तो सार रेशियो होता है एन ए प्लस डिवाइडेड बाई रूट ऑफ सी ए डबल प्लस प्लस एम जी प्लस डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पे एन ए प्लस की वैल्यू है 20 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ सी ए टू प्लस की वैल्यू है 3 प्लस एम जी टू प्लस 1 डिवाइडेड बाई टू। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20 बाई रूट टू, यानी 20 इंटू रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फाइनली ऊपर वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.414 डिवाइडेड बाई टू। तो ये आपकी आ गई 10, यानी कि 14.14 जो है समथिंग सार रेशियो की वैल्यू आ रही है। तो जब 14.14 है तो ये 10 to 18 के बीच की रेंज हो गई। इसका मतलब है ये वाटर आपका क्या कहलाएगा, मीडियम सोडियम वाटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड इन हेक्टेयर पर क्यूमेक डेप्थ ऑफ वाटर डेल्टा इन मीटर एंड बेस पीरियड बी इन डेज इज गिवन बाई. तो जनरली आपको पता है कि डेल्टा इक्वल टू होता क्या है 864 बी बाई डी. तो जहां पर बी जो है वो डेज में होता है, डी की वैल्यू जो है वो आपकी हेक्टेयर पर क्यूमेक होती है और डेल्टा जो है वो सेंटीमीटर में. अब पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू मीटर में चाहिए तो सेंटीमीटर में गिवन है, मीटर में बनाने के लिए डिवाइडेड बाई 100 कर दें तो ये वैल्यू मीटर में आ जाएगी. इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8.64 बी बाई डी. तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द ड्यूटी इज लार्जेस्ट. तो ड्यूटी की जो वैल्यू है फील्ड में सबसे ज्यादा होती है क्योंकि आपको पता है जैसे कि मेन रिवर हो गई, ये आपकी मेन कैनाल है, यहां से ये ब्रांच कैनाल निकलती है, फिर इसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटरी निकालते हैं, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटरी से ये आपकी माइनर कैनाल जाती है, फिर ये आपका वाटर कोर्स आ जाता है यहाँ पर, और वाटर कोर्स के बाद ये आपकी फील्ड आ जाती है. तो आपको पता है कि जो मेन कैनाल है और ये ब्रांच कैनाल, तो जैसे मेन कैनाल से वाटर फ्लो हुआ तो यहाँ पे डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है तो कुछ लॉसेस होंगे, उसके बाद कुछ लॉसेस ब्रांच कैनाल में फ्लो होते हुए होंगे, कुछ इवेपोरेशन लॉस हो जाएगा कुछ, फिर उसके बाद कुछ लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटरी में होंगे, फिर फाइनली जो है आपकी माइनर कैनाल में कुछ लॉसेस होंगे, फिर इसके बाद ये वाटर कोर्स हो गया इसमें कुछ लॉसेस होंगे, फिर फाइनली जो डिस्चार्ज आएगा फील्ड में वो उसकी वैल्यू सबसे कम होगी. तो ड्यूटी होता क्या है, हेक्टेयर पर क्यूमेक, यानी एक क्यूमेक के रेट के अकॉर्डिंग जितना एरिया जो है वो आपका इरिगेट हो रहा है. तो एक क्यूमेक जितना ज्यादा डिस्चार्ज कम होगा उतनी ज्यादा ऊपर वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी, यानी कि ड्यूटी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी. तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा फील्ड में ड्यूटी की वैल्यू होती है, उससे कम वाटर कोर्स में, फिर माइनर कैनाल में, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी में, फिर ब्रांच कैनाल में, सबसे जो है कम वैल्यू होती है वो आपकी मेन कैनाल में होती है. द आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर इज ड्यूटी एट द हेड ऑफ. तो ध्यान रखिएगा कि मेन कैनाल ये हो गई, मेन कैनाल के हेड पर जो डिस्चार्ज होता है वो आपका कहलाता है ग्रॉस क्वांटिटी, ठीक है. फिर इसके बाद यहां से आप ब्रांच कैनाल निकालते हैं तो ब्रांच कैनाल पे, ये ब्रांच कैनाल के हेड पर जो डिस्चार्ज होता है उसको आप कहते हैं लेटरल क्वांटिटी. फिर इसके बाद यहाँ डिस्ट्रीब्यूटरी आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी के बाद ये माइनर कैनाल आता है, माइनर कैनाल के बाद ये आपका वाटर कोर्स आता है. तो ये वाटर कोर्स के हेड पर जो डिस्चार्ज होता है वो आपका कहलाता है आउटलेट फैक्टर, और जो फील्ड में जो डिस्चार्ज आता है फील्ड के हेड पर वो आपका कहलाता है नेट क्वांटिटी. तो ऑप्शन पूछ रहा है आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर जो है इज ड्यूटी एट द हेड ऑफ, यानी कि किसके हेड पर जो ड्यूटी है वो आपकी आउटलेट फैक्टर कहलाती है. तो आपको पता है वाटर कोर्स के हेड पर जो ड्यूटी है वो आपका आउटलेट फैक्टर कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर डेप्थ फॉर राइस इज 190 mm एंड कोर वाटरिंग पीरियड जो है इज 14 डेज, ठीक है. तो डेप्थ दे रखी है यानी डेल्टा जो है वो आपका 19 सेंटीमीटर गिवन है, बी जो है आपका डेज जो कि 14 डेज दे रखा है बेस पीरियड, और आउटलेट फैक्टर यानी कि डिस्चार्ज आपको निकालना है. तो आपको डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे, तो आउटलेट फैक्टर फॉर दिस विल बी, तो यहां पे आपको ड्यूटी फाइंड करनी है. ड्यूटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 864 बी बाई डी, यानी बी बाई डेल्टा हो गया यहाँ पे जब डी इधर निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा 864 बी की वैल्यू है 14 डिवाइडेड बाई डेल्टा की वैल्यू है 19, ठीक है. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 636.6 करके समथिंग हेक्टेयर पर क्यूमेक. तो ऑप्शन जो है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉर सप्लाइंग वाटर टू रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड शुगर केन द चैनल इज डिजाइन फॉर अ कैपेसिटी इक्वल टू अ ग्रेटर टू द ग्रेटर ऑफ द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ. तो ध्यान रखिएगा कि चैनल की कैपेसिटी जब डिजाइन करते हैं तो शुगर केन तो पूरे 12 मंथ्स फ्लो होता है, यानी कि शुगर केन की जो ग्रोथ है वो 12 मंथ्स है, क्रॉप है ये आपकी. तो रबी और खरीफ का पीरियड जो होता है वो अलग अलग होता है. तो अगर आप ये देखते हैं कि रबी, सपोज यहां से यहां तक का पीरियड जो है वो रबी का है और यहां से यहां तक का पीरियड खरीफ का है, और जो शुगर केन के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो ओवरऑल 12 मंथ्स यानी कि पूरे साल रहती है. तो यहाँ पे ये शुगर केन, तो अगर आप किसी मंथ राबी ग्रो कर रहे हैं तो उस केस में जो डिस्चार्ज रिक्वायर्ड होगा तो वो कैपेसिटी क्या होगी, यानी राबी को कितना वाटर चाहिए और ऊपर से शुगर केन को, तो उतना ओवरऑल सम कर देंगे तो इस पीरियड में आपको उतने वाटर की रिक्वायरमेंट है, यानी उतने डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग आप कैनाल को डिजाइन करेंगे. तो ध्यान रखिएगा कि राबी प्लस शुगर केन और खरीफ प्लस शुगर केन, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उस बस कैपेसिटी को लेके आप कैनाल को डिजाइन कर देंगे. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, राबी एंड शुगर केन और खरीफ एंड शुगर केन, इसमें से जो भी ग्रेटर होगा वो ऑप्शन आप जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन
ऑफ द क्रॉप टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड इन द फील्ड. तो ये आपकी कहलाती है वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी. वाटर कन्वेंस इफिशियंसी क्या होती है, कितना वाटर आपका फील्ड में आया, फील्ड में डिलीवर हुआ, और कितना वाटर एक्चुअली जो है वहां से मेन सोर्स से डिलीवर हुआ था. ठीक है, कितना वाटर फील्ड में आया, कितना वाटर एक्चुअली डिलीवर हुआ था मेन कैनाल से, तो वो आपका कन्वेंस इफिशियंसी है. वाटर यूज इफिशियंसी क्या है, कितना वाटर बेनिफिशियली आपने यूज कर लिया और कितना वाटर जो है वो फील्ड में डिलीवर हुआ था, वो आपका जो है वाटर यूज इफिशियंसी कहलाता है. तो ये ऑप्शन हो गया आपका बी. द वाटर यूटिलाइजेबल बाई प्लांट्स इज अवेलेबल इन सॉइल मेनली इन द फॉर्म ऑफ. तो जो वाटर यूज होता है प्लांट्स के द्वारा मेनली वो आपकी कैपिलरी वाटर की फॉर्म में जो है वो अवेलेबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ इरीगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू मीट द इवेपोट्रांसपिरेशन नीड्स ऑफ द क्रॉप ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ. तो इवेपोट्रांसपिरेशन में क्या है, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन. तो ये फुल ग्रोथ जो है इसकी आपकी कहलाती है जो अमाउंट है इरीगेशन वाटर का रिक्वायर्ड है जिससे कि इवेपोट्रांसपिरेशन की नीड जो है वो पूरी फुलफिल हो सके. तो वो आपका कहलाता है कंजम्पटिव इरीगेशन रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो कंजम्पटिव इरीगेशन रिक्वायरमेंट में टोटल इवेपोट्रांसपिरेशन की वैल्यू आप इसमें कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट आता है विद द इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड द यील्ड ऑफ मोस्ट क्रॉप्स. तो हमेशा अगर यील्ड की बात करते हैं तो यील्ड का कुछ ये होता है आपका डायग्राम, यानी कि यहाँ पे ये वाटर कंटेंट और यहाँ पे आप यील्ड की वैल्यू गामा की वैल्यू शो कर रहे हैं. तो क्या होता है, इनिशियली तो कुछ लिमिट तक इंक्रीज होती है, तो ये हो गया ऑप्टिमम वाटर कंटेंट. तो इस लिमिट तक तो कुछ वैल्यू यील्ड की इंक्रीज होगी, उसके बाद इसके बाद ऑप्टिमम वाटर कंटेंट के बाद इसकी वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, यानी इंक्रीज अप टू अ सर्टेन लिमिट एंड देन डिक्रीजेस. ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ. तो हाइड्रोग्राफ जो है वो रन ऑफ एंड टाइम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. इनफिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज. तो इनफिल्ट्रेशन रेट होता क्या है, ये आपके ध्यान रखिएगा, ये हमेशा इक्वल टू और लेस देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी. इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम लिमिट है इनफिल्ट्रेशन की. ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है. नेक्स्ट आता है द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ गिवन सॉइल अप टू इट्स फील्ड कैपेसिटी. तो फील्ड कैपेसिटी तक जो वाटर रिक्वायर्ड है वो आपका कहलाता है सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी, यानी कितनी रिक्वायर्ड थी कोई किसी भी क्रॉप को ग्रो होने के लिए, तो वो आपका सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी कहलाता है. इनफिल्ट्रेशन रेट इज द, तो इनफिल्ट्रेशन होता क्या है कि जितना सॉइल में वाटर का मूवमेंट हो रहा है वो आपका इनफिल्ट्रेशन कहलाता है. तो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल. इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज मोर देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल देन द इनफिल्ट्रेशन रेट विल बी. यानी कि इतनी ज्यादा इंटेंसिटी हो गई जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा, यानी रेनफॉल जो है वो आपकी ज्यादा हो रही है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से, तो क्या होगा कि इनफिल्ट्रेशन रेट जो है, सपोज ये फाइव इंडेक्स हो गया आपका इनफिल्ट्रेशन रेट, डब्ल्यू इंडेक्स फाइव इंडेक्स कहलाते हैं, ये फाइव इंडेक्स है, इसके ऊपर जितनी भी रेनफॉल होगी, तो इसके ऊपर रेनफॉल होगी वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रन ऑफ में. तो आप ये कह सकते हैं कि जो इनफिल्ट्रेशन रेट है वो आपके किसके इक्वल हो जाएगा, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के, इक्वल टू इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है. ये इतना रेट बढ़ गया, यानी ग्राउंड में इतना वाटर गया कि वो आपके इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के इक्वल हो गया, उसके बाद जो भी वाटर है वो सबका सब रन ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय लिफ्टिंग ऑफ एन एयर मास ड्यू टू. तो जो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होता है वो क्या होता है कि साइक्लोन्स की फॉर्म में होता है, यानी कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर इसका जो है फ्लो होता है. तो ये आपका कहलाता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज. तो नॉन रिकॉर्डिंग जो होता है वो साइमंस रेन गेज होता है. इसके बाद टिपिंग बकेट, स्ट्रीवन, वेइंग टाइप, फ्लोटिंग टाइप, ये सब क्या है आपके रिकॉर्डिंग रेन गेज है. ये रेन गेज शुड प्रिफरेबली बी मिक्स्ड. तो रेन गेज जो है शुड प्रिफरेबली बी फिक्स जो होता है उसको आप फिक्स करते हैं ओपन स्पेस में जिससे उसका आसपास का कोई भी इफेक्ट ना पड़ सके. ठीक है, तो यहाँ पे 5.5 मीटर बाई 5.5 मीटर का फेंसिंग एरिया देखते हैं, यानी कि इससे कम जो है वो आप एरिया इंक्लूड नहीं करेंगे. ओपन स्पेस जो भी आप देखेंगे इसके आसपास कोई भी चीजें नहीं होनी चाहिए. If allowable percentage error in the estimate of basic rainfall is E and coefficient of variation CB, तो इसका formula क्या होता है allowable percentage error का, CB upon epsilon whole square. ठीक है, तो ये आपका कहलाता है option C. तो number of optimum rain gauge जो होता है वो आपका है CB upon epsilon whole square.
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेन गेजेस इज यूज फॉर मेजरिंग रेन इन रिमोट हिली इन एक्सेसिबल एरियाज. तो उसके लिए जो रेन गेज यूज करते हैं इन एक्सेसिबल एरियाज के लिए, वो होता है आपका टिपिंग बकेट टाइप. 70% इंडेक्स ऑफ वेटनेस. तो इंडेक्स ऑफ वेटनेस जो है वो आपका रेनफॉल डिफिशियंसी के जस्ट अपोजिट है, यानी कितना वेट है. तो एरिया अगर 70% वेट है तो डिफिशियंसी कितनी है, यानी कि कमी कितनी है पानी की, वो हो गई आपकी 30%. तो रेन डिफिशियंसी ऑफ 30%. अ कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन इज गिवन बाई. तो कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन आपको पता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 होता है. सिग्मा जहां स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया और एक्स बार मीन हो गया. तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है. यूनिट ऑफ रन ऑफ इन एमके सिस्टम. तो रन ऑफ हमेशा डिस्चार्ज के टर्म में मेजर करते हैं, यानी मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द रन ऑफ इंक्रीजेज विद. तो रन ऑफ इंक्रीज होता है इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द रेन. जैसे जैसे रेन बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग रन ऑफ बढ़ता जाएगा, क्योंकि इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी तक अगर रेट पहुंच गया उसके ऊपर जो भी वाटर होगा वो सब किस में कन्वर्ट होता जाएगा, रन ऑफ में. इंक्रीज इन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी. अगर इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ गई तो रन ऑफ कम हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा वाटर क्या होगा, ग्राउंड के अंदर चला जाएगा. परमेबिलिटी भी अगर सॉइल की बढ़ गई तो भी वाटर अंदर चला जाएगा. ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द एरिया बिटवीन द आईसो हाइट 45 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर इज 100 स्क्वायर किलोमीटर एंड 55 और 65 के बीच का एरिया 150 है. एवरेज डेप्थ ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन निकालनी है. तो एवरेज डेप्थ जो होती है फॉर्मूला आइसोहाइटल मेथड के अकॉर्डिंग होता है P0 + P1 / 2 इंटू एरिया इनके बीच का प्लस P1 + P2 / 2 इंटू A1. ठीक है, डिवाइडेड बाई A0 + A1. तो अगर आप देख रहे हैं 45 + 55 / 2 इंटू एरिया इनके बीच का है 100 + 55 + 65 / 2 इंटू इनके बीच का एरिया है 150 / 100 + 150. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी. ये तो हो गया 50 × 100 + 60 × 150 / 250. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा इधर का 20 + 60 × 150 / 250 हो गया आपका. तो ये आपका आ जाएगा 636. ठीक है, तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 56 सेंटीमीटर. ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है करंट मीटर इज यूज्ड टू मेजर. करंट मीटर किस लिए यूज करते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालने के लिए. वी इक्वल टू ANS + B होता है. तो यहाँ पे जो करंट मीटर है उसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, AB कॉन्स्टेंट है. तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है. इफ इट रेन्स बिटवीन 2 and 3 PM द इंटायर बेसिन एरिया जस्ट स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग वाटर एट 3 PM टू द आउटलेट. तो इंटायर द टाइम ऑफ कंसेंट्रेशन. तो टाइम ऑफ कंसेंट्रेशन होता क्या, कितना टाइम पे स्टार्ट हुई रेन और कितने टाइम तक हुई. तो 2 से 3 PM तक हुई, तो यानी कि 60 मिनट्स जो है वो आपका टाइम ऑफ कंसेंट्रेशन है. द रेनफॉल ऑन 5 successive days वर मेजर्ड एज इतना इतना एरिया. इफ द इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स ऑफ द स्टॉर्म रेट फॉर द कैचमेंट एरिया इज अर्लियर एस्टिमेटेड एज 50 mm/day. तो टोटल सरफेस रन ऑफ फाइंड करना है. तो आपको बोल रहे हैं कि सपोज ये डेज हैं 5 successive days, यानी 1, 2, 3, 4 और 5. तो आपको बोल रहे हैं कि जो रेट है इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स वो कितना है, 50 mm/day. तो इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स यानी फाई इंडेक्स की वैल्यू है ये 50 mm/day. इसका जितना भी वाटर इसके नीचे होगा वो सब क्या होगा, इनफिल्टर्ड हो जाएगा, यानी कि सॉइल में चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा. अब आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 100 mm जो है पर डे, यानी एक दिन में अगर आप देखें तो 100 mm रेनफॉल हुई. तो ये 50 है इसका जस्ट डबल, तो ये आपकी 100 mm रेनफॉल हो गई. इसके बाद कह रहे हैं 80 mm हुई, तो ये आपकी 80 mm हो गई, 100, 80. फिर इसके बाद ये आपकी हो गई 60 mm. फिर आपकी इसके बाद है 40, यानी कि 50 के नीचे हो गई, ये 40 mm हो गई. और लास्ट में ये हो गई 20. ठीक है, तो ये तो सारा वाटर जितना है ये तो आपका ग्राउंड में चला गया. आप कह रहे हैं कि टोटल रन ऑफ कितना है, सरफेस रन ऑफ. तो यही वाटर जितना एक्स्ट्रा हो गया यही रन ऑफ हो गया. तो यहाँ पे देखें, अगर 100 - 50 तो ये 50 × 1, ये एरिया कितना हो गया 50 × 1 + 80 - 50 कर दें यानी 30 × 1 + 60 - 50 यानी कि 10 × 1. तो ये जितना भी ये वाटर बचा ये आपका रन ऑफ है, यानी 50 + 30 + 10. तो ये आपका आ गया 80 + 10 = 90, यानी कि 90 mm जो है वो आपका सरफेस रन ऑफ है. ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन एट स्टेशन एक्स ए बी एंड सी आर ये वैल्यूज रिस्पेक्टिवली. इफ स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन एट 3 स्टेशन ए बी एंड सी वर दीज.
देन स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन फॉर स्टेशन एक्स. तो स्टेशन एक्स यानी कि पी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता है, एन एक्स अपॉन एम पी वन अपॉन एन वन प्लस पी टू अपॉन एन टू प्लस पी थ्री अपॉन एन थ्री. तो यहाँ पे आपको पता है कि ये फॉर्मूला इसलिए यूज किया, एवरेज इसका नहीं निकाला, क्योंकि एक तो ये वैल्यूज दी है तो डायरेक्टली आप यूज भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो nx की वैल्यू है 700 तो इसका प्लस माइनस 10% अगर आप देखें तो ये 770 और ये 630 हो जाएगा. ठीक है, तो 770 और 630 की रेंज में ये नहीं आ रहे हैं, इसके यानी इससे ज्यादा रेंज में, तब आप ये फॉर्मूले को यूज करते हैं. तो यहाँ पे nx की वैल्यू कितनी है, यानी कि नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है nx है आपका, इसकी वैल्यू है 700 डिवाइडेड बाय m, कितने ये वैल्यूज हैं डेटा 3 डिवाइडेड बाय p1, यानी कि फर्स्ट a की जो प्रेसिपिटेशन है वो कितना है, स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन 100 डिवाइडेड बाय n1, तो n1 की वैल्यू है आपकी 1000. ठीक है, a के लिए प्लस p2 यानी कि 990 डिवाइडेड बाय उसकी वैल्यू है आपकी 900 प्लस इसकी वैल्यू है 80 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू है 800. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 700 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई 10 हो गया, 3/10 टोटल, 3 से 3 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है. द बेस्ट यूनिट ड्यूरेशन ऑफ अ स्टॉर्म फॉर अ यूनिट हाइड्रोग्राफ. तो जो बेस्ट यूनिट ड्यूरेशन होती है स्टॉर्म की वो होती है 1/4 ऑफ द बेसिन लेंथ. The unit hydrograph due to storm may be obtained by dividing the ordinates of direct runoff hydrograph by. तो अगर आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में रन ऑफ डेप्थ डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे रन ऑफ वॉल्यूम लिखा हुआ है तो डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ की वैल्यू मिल जाएगी. तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है. द यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन कैन बी यूज टू इवेल्युएट द हाइड्रोग्राफ ऑफ स्टॉर्म्स ऑफ, यानी कि सेम ड्यूरेशन ओनली, सेम एंड शॉर्टर ड्यूरेशन, सेम एंड लॉन्गर ड्यूरेशन. तो यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है उसका यूज कर सकते हैं आप, चाहे सेम ड्यूरेशन का हाइड्रोग्राफ बनाने के लिए भी, शॉर्टर ड्यूरेशन का बनाने के लिए भी, सेम और लॉन्गर ड्यूरेशन, किसी भी टाइप को ड्यूरेशन का हाइड्रोग्राफ बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है. एस हाइड्रोग्राफ इज यूज टू ऑब्टेन यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ. तो एस हाइड्रोग्राफ को भी आप शॉर्टर ड्यूरेशन फ्रॉम लॉन्गर ड्यूरेशन बना सकते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन फ्रॉम शॉर्टर, यानी लॉन्गर से शॉर्टर में, शॉर्टर से लॉन्गर, किसी भी टाइप से आप कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑब्टेन करने के लिए. तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है. इफ टू 4-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ आर स्टैगर्ड बाई 4 hours एंड एडेड ग्राफिकली, यानी कि एक तो ये आपका हो गया 4-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है, 4-hour, और इसकी डेप्थ कितनी होती है 1 cm, एक दूसरा 4-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ है जिसकी डेप्थ है आपकी 1 cm, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया तो टोटल कितना बन जाएगा 8 hours, यानी 4 hours प्लस 4 hours. तो ध्यान रखिएगा, एक 4-hour जब यूनिट हाइड्रोग्राफ है उसके बाद उतने ही ड्यूरेशन का आप लैप करा देते हैं, तो यहां से ये दूसरा जो है 4-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ आपने बना दिया, तो ये जो डेप्थ है आपकी कितनी हो गई है यहाँ पे, ये इतनी n प्लस 2, यानी जितनी वैल्यू ये है इसका जस्ट इतना हो जाएगा एक्स्ट्रा. तो ये ओवरऑल यहाँ पे जो डेप्थ हो जाती है वो डबल हो जाती है 1 cm, और 1 cm बढ़ गई तो टोटल कितनी हो गई 2 cm. ठीक है, तो ये आपका कहलाता है 4-hour और ये हो गया आपका 4-hour, यानी टोटल जो है यहाँ पे 8-hour जो है वो आपका ड्यूरेशन हो गया. तो ये 8-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ बन गया और डेप्थ कितनी हो गई 2 cm mm में अगर देखें तो ये हो गई 20 mm रन ऑफ. तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा, 8-hour हाइड्रोग्राफ विद 20 mm रन ऑफ. तो जो रिजल्टिंग हाइड्रोग्राफ बन रहा है वो इस ड्यूरेशन का बन रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू डिकेंस फॉर्मूला फॉर एस्टिमेटिंग फ्लड द पीक डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू. तो डिकेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो पीक डिस्चार्ज की वैल्यू होती है दैट वो प्रोपोर्शनल होती है 8^3/4. वही अगर राइप्स फॉर्मूले की बात करें तो ये होती है इसके लिए 8^2/3. द रिलेशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड रिकरेंस इंटरवल इज गिवन बाई. तो ये जस्ट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, पी इक्वल टू 1/T होता है. जितना टाइम कम लगेगा उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि जल्दी जल्दी अकर हो रहा है कोई भी स्टॉर्म तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और कोई ज्यादा टाइम में अकर हो रहा है यानी कि टाइम ज्यादा लग रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी. तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया P into T equal to 1. ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है.
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन अल्टेशन एक्वीफर इज द वन वेयर, तो अल्टेशन एक्वीफर होता क्या है कि जब दो इम्परवियस डेटा के बीच में जो एक्वीफर होता है, जो प्रेशर के थ्रू वाटर जो अंदर होता है वो आपका अल्टेशन एक्वीफर कहलाता है। तो वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन टू इम्परवियस डेटा, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द वाटर इज स्टोर्ड इन द रिजर्वायर बिलो दी मिनिमम पूल लेवल, अगर मिनिमम पूल लेवल से भी नीचे जो वाटर है उसको आप यूज नहीं कर सकते तो वो आपका स्टोरेज आपके लिए यूजफुल नहीं है, तो आप उसको क्या कहेंगे, डेड स्टोरेज। ट्रैप इफिशियंसी ऑफ अ रिजर्वायर इज अ फंक्शन ऑफ, तो जो ट्रैप इफिशियंसी होती है वो आपका रेशियो होता है कैपेसिटी अपॉन इनफ्लो रेशियो। हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक एक्ट्स एट अ हाइट ऑफ, तो जो हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर है ये आपने कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है कि बेस के ऊपर 4H/3π पर जो है ये एक्ट करता है, एक्ट एट अ हाइट ऑफ 4H/3π अबव द बेस। द मेजर रजिस्टिंग फोर्स इन अ ग्रेविटी डैम, तो जो ग्रेविटी डैम होता है इसका मेजर रजिस्टिंग फोर्स जो है इसका सेल्फ लोड होता है, यानी सेल्फ वेट ऑफ अ डैम। टोटल फोर्स ड्यू टू वेव एक्शन ऑन अ ग्रेविटी डैम एक्ट्स एट अ हाइट ऑफ, तो जो टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है वो आपका होता है 3/8 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ वाटर अबव द रिजर्वायर सरफेस। द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ अ ग्रेविटी डैम, तो एलिमेंट्री प्रोफाइल जो होती है वो आपकी ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेग्लेक्टिंग अपलिफ्ट प्रेशर द बेस विड्थ ऑफ एन एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ अ ग्रेविटी डैम शैल बी टेकन एज, तो ये मैंने आपको पढ़ाया है कि इसमें जो है जो बेस विड्थ होती है एलिमेंट्री प्रोफाइल की उसको आप कंसीडर करते हैं ग्रेटर ऑफ H/√g एंड H/μg, इसमें से जो भी वैल्यू ज्यादा होगी उसको आप कंसीडर कर लेंगे। Which of the following spillways is least suitable for an earthen dam? तो earthen dam के लिए सबसे least suitable जो होता है वो होता है आपका OG spillway। ये मैंने आपको concept में पढ़ाया हुआ है कि सबसे least suitable जो है वो OG spillway है। Next, in case of non-availability of space due to topography, the most suitable spillway। तो अगर space नहीं है, जहां पर आप थोड़ा सा space है उसी के through जो है आप flow करा रहे हैं तो वो आपका कहलाता है shaft spillway। ठीक है, तो shaft type provide कर देते हैं, एक area बना देते हैं जिसके through जो है आप spillway बनाएंगे, तो वो आपका non-availability of space के case में use किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन अ शूट स्पिलवे द फ्लो इज यूजली, तो फ्लो जो होता है शूट स्पिलवे के केस में वो होता है आपका सुपर क्रिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर आर टू कैनाल्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम ईच फ्लैंक ऑफ अ रिवर, यानी कि दोनों साइड से फ्लो हो रहा है, देन देयर विल बी, तो ध्यान रखिएगा अगर एक कैनाल फ्लो हो रही है टेकिंग ऑफ है, यानी कि एक रिवर है यहां से सिर्फ एक कैनाल आपने निकाल दी, तो इस केस में अगर एक है तो यहाँ पे एक डिवाइड वॉल और 200 यूज करेंगे, वही जितनी आप साइड में निकालेंगे कैनाल्स उतनी ही आपको डिवाइड वॉल और अंडर स्लूस रिक्वायर्ड होंगे, तो अगर टू कैनाल्स निकली है तो 2 डिवाइड वॉल्स एंड 2 अंडर स्लूस की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिवाइड वॉल इज प्रोवाइडेड, तो जो भी एक्सेस होती है वियर की उसके जस्ट आप परपेंडिकुलर यानी राइट एंगल पे जो ये एक्सेस ऑफ वियर हो गई या आपकी रिवर फ्लो हो रही है तो इसके परपेंडिकुलर जो है वो आप राइट एंगल पे डिवाइड वॉल को प्रोवाइड करते हैं, ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिल्ट एक्सक्लूडर्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन दी, तो जो सिल्ट एक्सक्लूडर आप बनाते हैं वो होता है रिवर बेड स्ट्रीम ऑफ अप स्ट्रीम ऑफ हेड रेगुलेटर, यानी कि अप स्ट्रीम में हेड रेगुलेटर के जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिल्ट एक्सक्लूडर है और जो डाउन स्ट्रीम में करते हैं वो आपका कहलाता है सिल्ट इजेक्टर। नेक्स्ट है, इफ एच इज द ऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन अबव टॉप ऑफ द फ्लोर एंड जी इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोर मटेरियल, देन द थिकनेस ऑफ फ्लोर इज गिवन बाय द फॉर्मूला, जो थिकनेस होती है दैट विल बी इक्वल टू H/g-1। द मिनिमम साइज ऑफ स्टोन that will remain at rest in a channel of longitudinal slope S and hydraulic mean radius R, तो ये value हो जाती है आपकी equal to 11 times of RS, ये आपने derivation किया हुआ है concept में। Garrett diagram are based on, तो जो Garrett diagram based होता है वो आपकी Kennedy's theory के ऊपर based होता है, Lacy's theory, Khosla, Blykes, इनकी theory के ऊपर based नहीं होता। ये question बहुत ज़्यादा आ जाता है option में तो ध्यान रखिएगा। लेसीज रिजीम स्कोर डेप्थ इज गिवन बाई, तो लेसीज रिजीम स्कोर डेप्थ होती है वो होती है आपकी 1.35 Q² / F^3, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू लेसीज द बेड स्लोप इज गिवन बाई, फॉर्मूला होता है F^5/3 3340 Q^1/6, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेटेड पेरीमीटर ऑफ अ रिजीम चैनल फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ 64 क्यूमिक एज पर लेजीज थ्योरी. तो वेटेड पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4.75 ऑफ रूट ऑफ क्यू अकॉर्डिंग टू लेजीज थ्योरी. तो ये हो गया 4.75 इंटू रूट ऑफ 64 वैल्यू आ जाएगी, ये होती है 8. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 4.75 इंटू 8 तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया आपका 68 फोर या 32, ये आ गया आपका 38, यानी कि टोटल 38 मीटर जो है वो आपका वेटेड पेरीमीटर है. ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉर अ प्रोपोर्शनल आउटलेट द फ्लेक्सिबिलिटी. प्रोपोर्शनल आउटलेट के केस में फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू 1 के इक्वल होती है. और द सेंसिटिविटी ऑफ अ रिजिड मॉड्यूल, तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है, जो रिजिड मॉड्यूल की अगर आप बात करते हैं तो उस केस में सेंसिटिविटी की वैल्यू जो है वो 0 होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लेक्सिबल आउटलेट, तो फ्लेक्सिबल आउटलेट इनमें से कौन सा है. तो जो कैनेडीज गेज आउटलेट होता है ये आपका फ्लेक्सिबल आउटलेट कहलाता है. ए स्ट्रेट ग्लेसिस टाइप फॉल विद अ बैफल प्लेटफॉर्म एंड अ बैफल वॉल इज कॉल्ड, तो ये आपका कहलाता है इंग्लिश फॉल. इसको आप इंग्लिश बैफल इंग्लिश वॉल भी कहते हैं, इंग्लिश बैफल फॉल भी कहते हैं. तो ध्यान रखिएगा एक बैफल प्रोवाइड कर देते हैं स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल में, तो वो आपका बन जाता है इंग्लिश फॉल. नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल आउटलेट मेंटेन्स अ कांस्टेंट डिस्चार्ज, तो जो कांस्टेंट डिस्चार्ज मेंटेन रखता है वो आपका कहलाता है फिक्स्ड फ्लेक्सिबल, वो आपका कहलाता है रिजिड मॉड्यूल. ठीक है, रिजिड मॉड्यूल में जो है वो कांस्टेंट डिस्चार्ज आपका मेंटेन रहता है कैनाल आउटलेट पे. द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल इज कॉल्ड, तो जो रेशियो होता है जो डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल, तो ये आपका कहलाता है फ्लेक्सिबिलिटी. तो फ्लेक्सिबिलिटी यहां से फाइंड करते हैं इन दोनों का रेशियो लेके. नेक्स्ट है एन एग्रेडिंग टाइप ऑफ रिवर. एग्रेडिंग क्या है, सिल्टिंग होती रही, यानी जो इकट्ठे होते गए, जो भी आपका डिसइंटीग्रेशन हुआ पार्टिकल का वो कलेक्ट होते गए बढ़ता गया, तो ये आपका कहलाता है एग्रेडिंग टाइप ऑफ रिवर. और वही स्काउरिंग हुई, सपोज ये कोई रिवर फ्लो हो रही है यहाँ पे ग्राउंड पे, स्काउरिंग मतलब ये जो है स्काउर होते गए, पार्टिकल इरोड होते चले गए और ये बह गए, तो यहाँ पे ये पोर्शन जो है कम होता चला गया, तो ये आपका कहलाता है डिग्रेडिंग टाइप ऑफ रिवर. तो एग्रेडिंग टाइप ऑफ रिवर होती है एक आपकी सिल्टिंग रिवर, इसको कहते हैं. नेक्स्ट आता है मेन पर्पस ऑफ मीन वाटर ट्रेनिंग फॉर रिवर्स, तो इसका मीन वाटर ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि इसको आप इसलिए करते हैं, इसका पर्पस है टू प्रिजर्व द चैनल इज गुड शेप बाय इफिशियंट डिस्पोजल ऑफ सस्पेंडेड एंड बेड लोड, यानी कि आप चैनल को प्रिजर्व करने के लिए मीन वाटर ट्रेनिंग का यूज करते हैं. ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है. अ रिवर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड, रिवर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिवर इज, तो उस केस में अगर रिवर जो है आपकी जनरली जो मैंडरिंग टाइप होती है अगर रिवर, तो उस केस में जो है आप रिवर ट्रेनिंग वर्क अडॉप्ट करते हैं, रिक्वायर्ड होता है. नेक्स्ट आता है लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ मैंडर आर प्रोपोर्शनल टू, तो जो लेंथ ऑफ विड्थ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ डिस्चार्ज के. ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है. ए हाइटोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, तो हाइटोग्राफ क्या होता है, वो रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का रिलेशन जो होता है वो आपका हाइटोग्राफ कहलाता है. द मोस्ट सुइटेबल केमिकल विच कैन बी अप्लाइड बाय टू द वाटर सर्फेस फॉर रिड्यूसिंग इवेपोरेशन, तो ये आपने पढ़ा इवेपोरेशन को रिड्यूस करने के लिए आप सिटाइल एल्कोहल का यूज करते हैं. ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है. इंटरसेप्शन लॉसेज आर ड्यू टू, तो जो इंटरसेप्शन लॉसेज होते हैं यानी कि जो कोई ट्री वगैरह आ गया उसमें जो लीव्स हैं उसकी, ठीक है, उनकी वजह से क्या होता है कि कोई वाटर वहां पे रह जाता है और वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, तो वो आपका इंटरसेप्शन लॉस कहलाता है. यानी किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो लॉसेज होते हैं वो आपके इंटरसेप्शन लॉस हैं, तो ये इवेपोरेशन की वजह से जस्ट होता है, यानी कि जो वाटर आपका इंटरसेप्ट हुआ कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन में फंसा वो इवेपोरेट हो गया और रिमूव हो गया, तो ऑप्शन वन जो है वो आपका करेक्ट है. द शेप ऑफ रिसेशन लिंब ऑफ अ हाइड्रोग्राफ डिपेंड्स अपॉन, तो ये आपका हो गया राइजिंग लिंब और ये आपका कहलाता है फॉलिंग लिंब, जिसको रिसेशन लिंब कहते हैं. तो जो राइजिंग लिंब होता है इसका शेप डिपेंड करता है आपका बेसिन या कैचमेंट करेक्टरिस्टिक पे और साथ ही साथ स्टॉर्म करेक्टरिस्टिक पे. वही अगर आप रिसेशन लिंब की बात करें तो ये सिर्फ आपका बेसिन करेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ इज अ हाइड्रोग्राफ, तो इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है
उसका जो है इंस्टेंटेनियस हाइड्रोग्राफ एक यूनिट रेनफॉल एक्सेस है और इनफाइनाइटली स्मॉल ड्यूरेशन. इसमें जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा इनफाइनाइटली स्मॉल है, अप टू जीरो कर सकते हैं, और यूनिट रेनफॉल एक्सेस होती है. तो ऑप्शन जो है आपका सेकेंड थर्ड यानी कि सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ हैज द वन ऑफ यूनिट ऑफ रेनफॉल ड्यूरेशन, रेनफॉल एक्सेस, टाइम बेस ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ. यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब है कि यूनिट डेप्थ है यानी एन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. जब यूनिट डेप्थ है यानी यूनिट ऑफ रेनफॉल एक्सेस, जितनी भी रेनफॉल एक्सेस है वो आपकी 1 सेंटीमीटर है. फॉर एन एनुअल फ्लड सीरीज अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, द रिटर्न फॉर अ मैग्नीट्यूड लिस्टेड एट पोजिशन पीरियड एम इन अ टोटल डेटा एन इज. तो ये वैल्यू होती है जो रिटर्न पीरियड की, दैट विल बी इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन एन. ये वेबर्स फॉर्मूला कहलाता है. तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है. इफ द रिस्क ऑफ अ फ्लड अकरिंग इन अ नेक्स्ट 10 ईयर्स इज एक्सपेक्टेड टू बी 10%, तो जो रिस्क होता है इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी टू द पावर एन. तो रिस्क जो है वो आपका 10% दिया है यानी कि 0.1, 1 माइनस पी. प्रोबेबिलिटी टाइम रिकरेंस टाइम के अपोजिट होती है. आपको टी पूछ रहे हैं, रिटर्न पीरियड यानी टी की वैल्यू फाइंड करनी है, और 10 ईयर्स जो है वो आपका टाइम है, एन की वैल्यू कितनी हो गई 10. तो यहाँ से टी फाइंड करना है, तो यहाँ पे ये आ जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन टी इक्वल टू 1 माइनस 0.1 यानी 0.9 टू द पावर 1/10. तो यहाँ से अगर टी की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.9 टू द पावर 1/10. ये 1 अपॉन टी की वैल्यू हो गई. टी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 0.9 टू द पावर 1/10 यानी कि 0.1. तो ऑप्शन जो है 1 अपॉन 1 माइनस 0.9 टू द पावर 0.1, सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ द स्टोरेज इनफ्लो रेट आउटफ्लो रेट आर डोनेटेड बाई एस आई एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ एस इन मस्किंगम मेथड ऑफ फ्लड राउटिंग इज गिवन बाई द एक्सप्रेशन. तो आपको पता है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो माइनस जो भी आउटफ्लो रेट है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा. क्योंकि ध्यान रखिएगा इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, एक्स जो है अगर यहाँ पे देखें इनफ्लो माइनस इनफ्लो प्लस आउटफ्लो है तो ये नहीं होगा, क्योंकि इनफ्लो कितना आया और कितना डिस्चार्ज निकल गया वो आपका रेशियो कहलाता है स्टोरेज का इक्वल. तो स्टोरेज एस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ इनफ्लो माइनस एक्स टाइम्स ऑफ आउटफ्लो, इन दोनों की जो प्रोपोर्शन है वो सेम होती है, यानी अगर ये आई है और ये क्यू है तो सेम रहेगा, अदरवाइज ये एक्स आई माइनस एक्स क्यू. ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन केस ऑफ चैनल राउटिंग द स्टोरेज इज अ फंक्शन ऑफ. तो अगर आप चैनल राउटिंग का केस देखते हैं तो चैनल में स्टोरेज जो है वो आपका फंक्शन होता है इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों डिस्चार्ज का. वही अगर आप रिजर्वॉयर राउटिंग में बात करें यानी रिजर्वॉयर के केस में जो स्टोरेज वो फंक्शन होता है वो आपका होता है जस्ट ऑफ आउटफ्लो डिस्चार्ज का. ठीक है, रिजर्वॉयर में वाटर फिल है, जस्ट वो रिमूव हो रहा है तो वो आउटफ्लो का फंक्शन होता है. वही चैनल में क्या आ भी रहा है और जा भी रहा है, यानी इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों का फंक्शन होता है स्टोरेज. नेक्स्ट आता है, अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज द इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज अ जोन ऑफ. तो हमेशा ध्यान रखिएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो नॉर्दर्न में साइक्लोन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है और सदर्न में जो है इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है. वही अगर एंटी साइक्लोन की आप बात करते हैं तो एंटी साइक्लोन की इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है और इसकी जो है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज होती है. तो यहाँ पे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई, नॉर्दर्न में साइक्लोन की जस्ट बात कर रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शंस आपके हो सकते हैं. लेकिन ध्यान रखिएगा इज अ जोन ऑफ लो प्रेशर, तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो लो प्रेशर जोन होता है. इफ वन वांट्स टू बी 90% श्योर दैट अ डिजाइन फ्लड इन अ डैम प्रोजेक्ट विल नॉट अकर ड्यूरिंग द डिजाइन लाइफ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, तो रिकरेंस इंटरवल आपको पूछा है. तो आपको फाइंड करना है, जब कह रहे हैं श्योरिटी 90% है तो रिस्क कितना हो गया, रिस्क आपका 10% हो गया. इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 1 अपॉन टी टू द पावर एन. तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस 0.9 टू द पावर 100 ईयर्स है, यानी 1 अपॉन 100.01. इसको जब सॉल्व करेंगे तो अराउंड आपके पास आंसर आ जाएगा 949. ठीक है, 949.6. तो आप बोल सकते हैं कि रफली जो है वो 1000 ईयर्स जो है वो रिकरेंस इंटरवल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चैनल डिजाइन बाई लेसीज थ्योरी हैज़ अ मीन वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, द सिल्ट फैक्टर इज यूनिटी, यानी एफ की वैल्यू 1 है, वेलोसिटी जो है 1 मीटर पर सेकेंड है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस की वैल्यू पूछी है आर की.
तो आपको पता है आर इक्वल टू होता है फॉर्मूला 5/2 v² अपॉन आर एफ लेजीज थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ 5/2 v1 है डिवाइडेड बाई 1, तो आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड क्या होता है. तो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड जो है वो आपका ड्राइव होता है फ्रॉम द प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इन द रीजन. तो ये वो रिजल्ट है आपका सीवियर कंडीशन में मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और ये प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन से ड्राइव होता है. तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है. वही अगर प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड के केस में देखें तो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड की वैल्यू अराउंड 40-60% होती है ऑफ प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड के. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिजिड बाउंड्री कैनाल्स हुज बेड एंड बैंक्स आर मेड विद नॉन इरोडेबल मटेरियल्स. तो इनसे अगर बने होते हैं कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो वो आपका कहलाता है परमानेंट रिजीम कंडीशन. ठीक है, तो वो कैनाल परमानेंट रिजीम में कहलाएगा. नेक्स्ट आता है द ऑर्डिनेट ऑफ द इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ कैचमेंट एट एनी टाइम टी इज द स्लोप ऑफ 1 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ एट दैट टाइम इज द स्लोप ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ दैट टाइम डिफरेंस इन द स्लोप ऑफ द एस कर्व. ये होता है आपका स्लोप ऑफ एस कर्व विद रेनफॉल इंटेंसिटी इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी ऑफ 1 cm/hour. तो ये आपका कहलाता है इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीचिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अ सॉइल इज 10%. तो लीचिंग रिक्वायरमेंट 10% है. ये फॉर्मूला होता है लीचिंग मतलब कितना वाटर लीच आउट हो गया कितना वाटर ड्रेन्ड हो गया. ठीक है, ड्रेन्ड वाटर डिवाइडेड बाई कितना वाटर अप्लाई किया है आपने इरिगेशन वाटर. ठीक है, तो अप्लाइड का मतलब है कंजम्पटिव यूज जितना हो गया प्लस ड्रेन जितना हो गया उतना ही टोटल वाटर आपने अप्लाई किया होगा. तो यहाँ पे ये वैल्यू हो गई 0.1 ड्रेन्ड वाटर डिवाइडेड बाई कंजम्पटिव यूज रिक्वायरमेंट की वैल्यू 90 mm है प्लस डी. ठीक है, तो यहाँ पे आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये हो जाएगी 0.9 प्लस 0.1 टाइम्स ऑफ डीडी ड्रेन्ड वाटर इक्वल टू डीडी. तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 mm. ठीक है, इतना वाटर जो है वो ड्रेन्ड आउट हो गया. कह रहे हैं कि डेप्थ ऑफ वाटर इक्वल टू बी अप्लाई. अप्लाई कितना किया यानी कंजम्पटिव यूज, कुछ तो क्रॉप्स ने ले लिया प्लस कुछ ड्रेन्ड हो गया, ये टोटल आपका अप्लाइड वाटर है. ठीक है, तो अप्लाइड वाटर कितना हो गया कंजम्पटिव यूज जो है वो 90 mm है प्लस ड्रेन्ड हो गया 10 mm. टोटल आंसर आ गया आपका 100 mm. ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 4 hour रेनफॉल इन अ कैचमेंट ऑफ 250 km² एरिया. तो एरिया आपको गिवन है 250 km², 4 hour रेनफॉल है जिसमें रेनफॉल डेप्थ जो है 6.2 cm और 5 cm है इन सक्सेसिव 2 hours यूनिट पीरियड. यानी 2 घंटे में इतनी रेनफॉल हुई फिर अगले 2 घंटे में 5 cm रेनफॉल हुई. एज्यूमिंग फाइन इंडेक्स ऑफ द सॉइल टू बी 1.2 cm/hour. फाइन इंडेक्स है 1.2 cm/hour. तो वही अगर दो फॉर 2 hours के लिए अगर आप निकालें तो टोटल इन्फिल्ट्रेशन रेट कितना होगा 1.2 × 2 विच विल बी इक्वल टू 2.4 cm. ठीक है, तो अगर यहाँ पे रन ऑफ वॉल्यूम आपको चाहिए तो आपने देखा कि पहले 2 घंटे में फिर उसके बाद ये 4 hours अगले 2 घंटे. पहले 2 घंटे में 6.2 cm रेनफॉल हुई, इसके अगले 2 घंटे में जो है वो आपकी 5 cm रेनफॉल हुई. ठीक है, और फाइन इंडेक्स क्या है दो आर का ही निकाल लिया है आपने, ये हो गया आपका 2.4 cm/2 hours. यानी कि टोटल जो है 2 घंटे का आपका फाइन इंडेक्स इतना है. तो इनिशियली 2 घंटे में इतना जो है इन्फिल्ट्रेशन हो गया, रेनफॉल 6.2 ही थी, तो रन ऑफ कितना बचा 6.2 - 2.4 प्लस वही अगर 2 घंटे में इतना इन्फिल्ट्रेशन हुआ रेनफॉल हुई 5 cm टोटल, तो 5 - 2.4 इतना जो है रन ऑफ हो गया. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो टोटल रन ऑफ आपका आ जाएगा 6.4. वॉल्यूम चाहिए रन ऑफ वॉल्यूम, तो आपको पता है एरिया इंटू डेप्थ, एरिया कितना है 250, इसमें डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको टोटल वॉल्यूम आ जाएगा. हेक्टेयर मीटर में चाहिए, तो आपको पता है कि हेक्टेयर क्या होता है 10⁴ m². ये आपकी जो डेप्थ है डायरेक्टली ये सेंटीमीटर में है. ठीक है, ये आपकी सेंटीमीटर में इंटू 250 जो है वो आपका किसमें किलोमीटर स्क्वायर में. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1600 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए 10⁻²⁰ बन गया, इंटू किलोमीटर को मीटर स्क्वायर में देखेंगे तो 10⁶. तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कट के 10⁴, और 10⁴ m² होता है आपका हेक्टेयर. तो यूनिट आपकी कांस्टेंट हो गई, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है.
फॉर मीडियम सिल्ट हुज एवरेज ग्रेन साइज इज 0.16 mm, यानी कि सिल्ट का जो साइज है वो 0.16 mm है. लेजी सिल्ट फैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, ये होती है एफ इक्वल टू 1.76 ऑफ रूट डी. ये आपका लेजी सिल्ट फैक्टर कहलाता है एफ, 1.76 ऑफ रूट ऑफ डी यानी 0.16. तो इसको जब सॉल्व करेंगे 1.76 इंटू ये हो जाएगा 0.4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.704, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ 4 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ सर्टेन बेसिन हैज अ पी कोऑर्डिनेट ऑफ 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो पी कोऑर्डिनेट ऑफ 2 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ का पूछ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा इसे 2 आर ये है, ठीक है. तो 2 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ की पीक कुछ ये है, जहां पे डेप्थ जो है आपकी 1 सेंटीमीटर है. वही अगर आपने इसमें 2 आर और ऐड कर दिया तो क्या होगा, जब ये आपके इस टाइप से ऐड करेंगे तो इसकी जो पीक होती है वो आपकी कम हो जाती है, क्योंकि ओवरऑल जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा. तो एरिया अगर आप फाइंड करते हैं तो 4 आर का जो है वो आपकी पीक कम हो जाती है. तो अगर यहाँ पे पीक जो है वो 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो 2 आर की पीक क्या होगी, 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड से ज़्यादा होगी, यानी टाइम पीरियड जितना कम होगा उसका ओवरऑल पीक उतनी ही ज़्यादा होगी. तो टोटल वॉल्यूम तो सेम रहेगा. तो बस वही अगर आप 2 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ की बात कर रहे हैं तो वहां पर ग्रेटर देन 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेनफॉल इन 4 सक्सेसिव 12 आवर पीरियड ऑन अ सर्टेन कैचमेंट 40, 80, 90, 30 mm इफ इन्फिल्ट्रेशन फाइव जो है 5 mm पर आर है, ठीक है. तो देन द टोटल सरफेस रन ऑफ आपसे पूछा गया है. यहाँ पे बोल रहे हैं कि 4 सक्सेसिव आवर्स में इतना है, तो 5 mm पर आर जो है वो आपका फाइ इंडेक्स है. तो यहाँ पे पहले में निकालेंगे 40 - 5 + 80 - 5. यहाँ पे है आपका क्वेश्चन 12 आवर सक्सेसिव पीरियड्स है, यानी कि 12 आवर्स का 4 सक्सेसिव 12 आवर पीरियड में इतना है. इसका मतलब है कि इनिशियली पहले जैसे कि 12 आवर्स में ये 12 हो गया 24, 36 और 48, यानी कि 12 घंटे के सक्सेसिव पीरियड्स में आपकी रेनफॉल इतनी है. तो अगर फाइ इंडेक्स 1 घंटे में 5 mm है इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स, तो 12 घंटे में कितना होगा, इन 12 आवर्स अगर आप देखते हैं तो फाइ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल इन्फिल्ट्रेशन रेट होगा 12 × 5 यानी कि 60 mm. तो 12 घंटे में जो है वो 60 mm जो है वाटर इनफिल्टर्ड हो जा रहा है, ग्राउंड के अंदर चला जा रहा है. तो रन ऑफ कितना बचा, 40 mm बारिश हुई जिसमें 60 mm अंदर चला गया, यानी कि 40 का 40 पूरा ही अंदर चला गया जब आपका जो लेवल है वो 60 है, ठीक है. अब नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट 12 आवर्स में 80 mm बारिश हुई जिसमें से 60 mm जो है वो इनफिल्टर्ड हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 20. नेक्स्ट अगर देखते हैं तो 90 mm हुई थी, 90 में से 60 अंदर चला गया, बचा 30. ये आपका कम है, इसका मतलब है पूरा का पूरा वाटर इनफिल्टर्ड हो गया होगा. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 + 20 = 50 mm. तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्किंगम मेथड ऑफ फ्लड राउटिंग इज अ. तो जो मस्किंगम मेथड होता है वो आपका एक चैनल राउटिंग मेथड है, और जो चैनल है वो आपका स्टोरेज का फंक्शन होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों का जो है स्टोरेज का फंक्शन होता है चैनल राउटिंग मेथड. इन लीनियर रिजर्वॉयर स्टोरेज वेरीज लीनियरली विद. तो रिजर्वॉयर के केस में अगर आप बात करते हैं तो स्टोरेज जो है आउटफ्लो का फंक्शन होता है डायरेक्टली, यानी कि स्टोरेज जो है वेरी करेगा लीनियरली विद आउटफ्लो रेट. जितना ज्यादा आउटफ्लो होगा उसके अकॉर्डिंग स्टोरेज वेरी करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया इज बेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम गेज्ड अमाउंट्स बाय. तो जो मीन प्रेसिपिटेशन है उसमें क्या होगा, पहली बात तो अर्थमेटिकल से थिसन जो है वो आपका एक्यूरेट है, थिसन से जो है वो आइसोहाइटल मैटर एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें जो एवरेज रेनफॉल है पी नॉट प्लस पी वन उसका भी एवरेज ले लेते हैं. फिर आपका ओरोग्राफिकली वेटेड आइसोहाइटल, यानी कि अब इसमें वेटेज एरिया भी आपने कंसिडर किया डिस्टेंस के अकॉर्डिंग. तो ऑप्शन डी जो है वो आपका मोस्ट एक्यूरेट मेथड है. और इसके बाद आपको कोई भी अगर डाउट्स होते हैं तो आप इस कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के पूछ सकते हैं. और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप इनको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें. आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो जो हैं इस चैनल के थ्रू मिल जाएंगे. थैंक यू फ्रेंड्स.